एक अटैची ले गया है, उसमें जो है लगभग 2 लाख की सामान थी, सोना जेवर कपड़ा ये सब अटैची पूरी ले गया और कुछ बर्तन ले गया है। 3 बजे हम लोग जो उठे ना, उसके बाद में देखे जो गेट लगा हुआ था बाहर, मैंने खोले थे तो गेट लगा बाहर से लगा हुआ था। उसके बाद में जाके जो हम लोग हल्ला किए, उसके बाद में सब लोग था। उसके बाद में जो गए तो गोसाई घर में जो था सामान सब सुले गया है। उसके बाद दूसरा रूम में जो है जो ताला तोड़ के जो है जिसमें से सामान सब ले गया है। बेनीपट्टी में लगातार आपराधिक घटनाओं के बढ़ने का दौर जारी है। हत्याएं हो, लूट हो, चोरी हो, ये मामले हो रहे हैं, लेकिन उद्भेदन के नाम पर कुछ भी नहीं पुलिस कर पा रही है। या कहें तो मामला दर्ज करने के लिए चोरी की घटनाएं हुई है। अभी जब बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया गांव में है, कटैया पंचायत के पूर्व मुखिया विनोद यादव के घर में चोरी हुई है रात में, और ये प्रशासन को फोन करके इत्तला किए हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई है। तो यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, उनको ये बताती है कि थाने पर आकर के आवेदन दीजिए। एक तो परिवार पीड़ित है जो इनके घरों में रात में बाहर से ताला मार के चोरी कर दिया गया है, लाखों का नुकसान है, जेवर ले जाए गए हैं, बहुत सारे बर्तन पैसे भी यहाँ पे गायब होने के बात सामने आ रही है, जिसका आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मौके पर प्रशासन नहीं पहुंच पा रही है। और प्रशासन को जो जानकारी दी गई तो प्रशासन कह रही है कि थाने पर आकर के आवेदन दीजिए। यूं तो की स्थिति ऐसी है कि बेनीपट्टी के सत्ताधारी दल के विधायक विनोद नारायण झा भी विधि व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो मान सकते हैं कि बेनीपट्टी की शासन व्यवस्था, प्रशासन की जो चुस्ती है वो किस पैमाने पर अभी है। लगातार अगर पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो कई हत्याओं के घटनाएं हुई है, हत्याएं की घटनाएं हुई है, चोरी की घटनाएं हुई है, लेकिन कोई भी ऐसी ऐसा मामला नहीं है जिसमें पुलिस उद्भेदन करते हुए नजर आए या पुलिस को इसमें सफलता मिले। यूं तो ये कह सकते हैं कि या तो पुलिस यहाँ की सुस्त पड़ चुकी है, या यहाँ के अपराधी जो चोरी लूट हत्याएं जैसी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं वो पुलिस से एक कदम आगे हैं। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से चोरी यहाँ पे हुई है। इन लोगों को घरों के बाहर जो जिस रूम में सोते थे उन रूमों को बाहर से बंद कर दिया गया, और जो भी कमरे थे जिसमें पहले से या तो पता था जो लोग घटना को अंजाम दिए हैं, ताले मजबूत थे, पुराने ताले थे, बरसों पुराने, उन तालों को बड़े ही बखूबी से कारीगरी से तोड़ा गया है। 3-4 कमरों को तोड़ा गया है और इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया है। लेकिन रात में किसी भी परिजन को या जो लोग अगल बगल के कमरों में सो रहे थे उनको भनक तक नहीं लगी। ये पीड़ित परिजन है, उनसे पता करते हैं कैसे घटना हुई है, कितने का नुकसान हुआ है, और अब तक जो प्रशासन को जानकारी दी है उसमें क्या पहल हो रही है। घटना के ना भेले कतेक नुकसान छे? एक अटैची ले गया है, उसमें जो है लगभग 2 लाख की सामान थी, सोना जेवर कपड़ा ये सब अटैची पूरी ले गया और कुछ बर्तन ले गया है और कपड़ा सपड़ा कुछ ले गया है, यही सब मेरा। आप लोग को घटना की जानकारी कैसे मिली? 3 बजे हम लोग जो उठे ना, उसके बाद में देखे जो गेट लगा हुआ था बाहर, मैंने खोले थे तो गेट लगा बाहर से लगा हुआ था। उसके बाद में जाके जो हम लोग हल्ला किए, उसके बाद में सब लोग था। उसके बाद में जो गए तो गोसाई घर में जो था सामान सब सुले गया है। उसके बाद दूसरा रूम में जो है जो ताला तोड़ के जो है जिसमें से सामान सब ले गया है। तो कुल कितने कमरों को तोड़ा गया? 3 कमरे को जी। तो और बाकी जिस कमरे में आप लोग सो रहे थे, हमें जो लग रहा है लगभग 7-8 कमरे हैं चारों तरफ लग रखे, वो जो जितने में भी लोग सो रहे थे सभी को बाहर से बंद कर दिया गया? हाँ, तो सब आदमी सब टोटल माने रूम बंद था जी। तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि जिन लोगों ने भी चोरी की घटना को अंजाम दिया वो आपके परिवार को, आपके घर को भली भांति समझ रहे थे? हाँ, सब आदमी जो आदमी मैंने घटना किया है वो अनजान आदमी नहीं है, वो है सब अगले बगल का, कोई ना कोई इसमें हाँ इसमें शामिल है, साजिश के तरह हुआ है वो सब बात। अच्छा, तो घटना की जानकारी मिलने के बाद आप प्रशासन को भी जानकारी दी होंगी, प्रशासन की तरफ से क्या रूप? अभिषेक बाबू को जो हम प्रशासन को जो फोन किए थे तो कहे जा आके आवेदन दीजिए, तो आके आवेदन दीजिए, स्पॉट पे नहीं आएंगे वो लोग, आपके अभी आवेदन दे दीजिए, उसके बाद में हम लोग कार्रवाई करेंगे। घर की महिलाएं हैं जो इन लोगों को ये लगा कि बाहर से ताला बंद कर दिया गया है, तो क्या पता कोई हताहत करने की योजना से यहाँ पे कुछ लोग तो नहीं घुसे हैं। पूर्व मुखिया जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। केना की घटना भेली, की पता लागल अहाँ सबके? पता लागल हम 3 बजे उठली अंदर से दरवाजा खोलिए, एना खोलै छी दरवाजा हमरा खुल नहीं रहल है,
हम देख कर हमरा देह में थरथराए लग लिया, हम जाकर बैस गेलिए। बैसला के बाद में हमर जेठानी छलखिन वो फोन कलखिन से कि हमर दरवाजा खोलू अहाँ, से हम बंद भ गेल छी, केदन बंद कर दिलक। हम कहे छी कि ये हमरो दरवाजा बंद छी, तो हम कि कहे छी। ओतबे में हमर जेठानी कहलखिन कि बउआ सुतल छै, से बउओ के किछु भ गेलै। अतने में हम मुखिया जी के जगेलिए ना, मुखिया जी उठू उठू से अपना घर में चोर आयल छै। हम खोल के जगह तौक छ मिलबे नहीं करे, फिर बाहर वाला दरवाजा छन वो कहलिए ने मुखिया जी कहते ई खोलू तो देखियो तो बंद है कि खुलल है, तो वो खोल लिए तो खुलल छे न। बाहर में छे न राजेश्वर यादव सुतल, तो हुनका कहलिए न तो उठ के दरवाजा देखलखिन है, तो मेन गेट बाहर से ला खुलल छे न। वो बच्चा सबके ल के हम बाहर गलिए न, बाहर से नहीं अथी भेल, तब बाहर से छत पर बच्चा चढ़ल, छत पर चढ़ के छत पर वो नीचा उतर के गेट से सीढ़ी के गेट खुलल का, तहन अंदर में अलिए, तहन सब सामान देखे बिखरा पड़ल, तहन हमरा सबके बेचैनी भ गेल। तहन सब कोई पूरा सब उठलिए, तो सब पूरा समाज दौड़ के आयल, या जानकारी पता लगल कि अटैची सब बहुत तो तोड़ने है जैसे देखने के लिए। सोना के, सोना वाला जो अटैची चले या वो अटैची लोग चल गए। हाँ अटैची सोना वाला लोग के गेल छन, आ फुलहा हंडी सब छे, लोटा सब छिपा सब ये सब लोग के चल गेल है। साड़ी सब छे ना, दो अटैची दोनों अटैची साड़ी लोग बिना नथी लागल साड़ी सब लोग के चल गेल है। देखिए जो पहले की चोरी घटनाएं होती थी जब भीत वगैरह का मकान रहता था, तो साड़ी की चोरी या बर्तन की चोरी बोरे में भर के चोर ले जाते थे। अभी इस तरह आम समय में देखा गया है घटना कि पैसे और सोने चांदी के वगैरह के पीछे चोर अधिक भागते हैं, लेकिन यहाँ की जो घटना है उसमें ये चोरी की घटना में अधिक संख्या में लोग आए थे जो अपराधी हैं, जो चोरी को अंजाम दिए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि बर्तन भी ले जाया गया है, कपड़े भी ले जाए गए हैं अटैची सहित, और जो गहना जेवर जो कैश था उनका वो तो गया ही गया है। तो कहना कि प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद प्रशासन तो नहीं से तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि पिछले महीनों का जो प्रशासन की स्थिति है उद्भेदन का कांडों का मामले में, उसमें प्रशासन बहुत कुछ कर पाएगी ये प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको हमने बताया है कि बेनीपट्टी के सत्ताधारी दल के विधायक विनोद नारायण झा ने भी इस पर चिंता प्रकट की है। पूर्व में विधान पार्षद एमएलसी घनश्याम ठाकुर भी चिंता प्रकट कर चुके हैं, लेकिन चिंता प्रकट करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा कि अगर लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो अगर आक्रोश बढ़ेगा तो इसका सामना न सिर्फ प्रशासन को बल्कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिम्मेदारी विधायक को ही लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी विधान पार्षद को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्षेत्र के जनसेवक वही। फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप देखते रहे बीएनएन न्यूज़। धन्यवाद।